हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत। आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, केमिकल रिएक्शन। देखिए, इससे पहले भी हम केमिकल रिएक्शन का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये पार्ट हमारा रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे हम करने वाले हैं एरोमेटिक अमीन का, या हम इसको एनिलीन भी बोल सकते हैं। ये हमारा है एरोमेटिक अमीन, या फिर हम इसको बोलेंगे एनिलीन। अब चलते हैं, एनिलीन क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, पहले आपको ये जानना होगा। देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया तो इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सबको पता है। अब क्या ये रिच है या नहीं है, डिपेंड करेगा इस ग्रुप पे कि ये ग्रुप डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है। अब NH2 जो है वो हमारा है डोनेटिंग ग्रुप, और एक अच्छा डोनेटिंग ग्रुप माना गया है, फिनोल से भी बेटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि फिनोल में और इसमें बेटर कौन है, देन हमारा आंसर आएगा एनिलीन। वाई? यहां पे दो लोन पेयर, वहां पे तो एक ही है। लोन पेयर से मतलब नहीं है, लोन पेयर तो हमें एक ही डोनेट करना है। इसकी नेगेटिविटी 3.5 है और यहां पे नेगेटिविटी 3 है, ये इजीली डोनेट करेगा। तो आपने फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी होंगी, जिसमें आपको बताया गया था कि ये जो कंपाउंड है ये आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दे देता है, लाइक 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो क्या ये भी ऐसा ही करेगा? हाँ जी, ये भी ऐसा ही करेगा, ये भी आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे देगा, कहाँ पे देगा, ऑर्थो पे देगा, मेटा पे देगा या पैरा पे देगा। तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो ये हुआ हमारा मेटा डायरेक्टिंग। अब ये डोनेट करेगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, विड्रॉइंग होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो ये ऑर्थो पे, ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे डोनेट करेगा। चलिए, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही जाना पसंद करता है, मेटा पे जाना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई है कि यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनना है। अब इसके बाद हमें जानना है कि कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं। फिर कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं हमें तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी हम आज के लेक्चर में क्लियर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम ट्राई सब्स्टिट्यूटेड करेंगे, फिर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड करेंगे। अब ये तो हमें पता लग गया है कि प्रोडक्ट ऑर्थो पे और पैरा पे बनेगा, क्यों? क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है और डोनेटिंग ग्रुप हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही माना जाता है। सबसे पहले हमने करवाया हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में हमने ब्रोमिनेशन ही करवा दिया है। अब देखिए, आपने यहां पे NH2 लिया है और इसका करवाया है ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ओके, तो हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो आएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, या बेंजीनामाइन भी आप इसको बोल सकते हैं। बी आर। अब
हम नहीं चाहते कि हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। तो पहली बात तो ये है कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिला क्यों है। ये मिला है NH2 की वजह से, इस ग्रुप की वजह से, क्योंकि इसने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच किया है और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से उसने ट्राई सब्स्टिट्यूटेड दिया है। तो क्यों ना हम इसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दें। किसकी एक्टिविटी को? NH2 की एक्टिविटी को। अगर NH2 की एक्टिविटी को आपने ख़त्म कर दिया तो बात बन जाएगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा। अब चलिए कोशिश करते हैं कि इसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया जाए। वो कैसे? हमने यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड ले लिया। पता है आपको ये यहाँ से टूटता है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब इसमें से एक H, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये तो इसके साथ चला जाएगा और ये पॉजिटिव NH पे लग जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो ग्रुप लगा ना, अब ये विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, रेजोनेंस है, डबल सिंगल लोन पेयर, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इधर भी चली गई, कंप्लीट बेंजीन को थोड़ी ना मिल रही है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी जा रही है। अब आप अगर चाहते हैं इसका ब्रोमिनेशन करना तो आपको एक ही पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर ये वाला NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये तो एनिलीन नहीं है, इसको अब हटाना है, तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, वाटर में से H पॉजिटिव इधर चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट NH2 और इधर क्या लग गया है BR, बाहर क्या निकल गया है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो आप ये मेथड फॉलो करेंगे, और आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तो आप उसका डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देंगे, आपको प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन को अब हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करेंगे तब हमें क्या मिलने वाला है? चलिए अब नाइट्रेशन में भी हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलता है, अब उसको भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड करना है तो सेम मेथड यूज करना पड़ेगा, बट वहां पे एक चीज और देखने की है, मेटा पे भी NO2 लगेगा। अब ये क्यों लगा ये हमें समझना है। चलिए अगर आपने बेंजीन अमाइन या फिर एनिलीन का नाइट्रेशन करवाया तो आपको यहां पे तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, वो क्या क्या है? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब ये बात हमें हजम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, मेटा पे क्यों NO2 आ गया है ये समझ में नहीं आया। तो पहले इसी को हम समझते हैं। देखिए यहां से एसिड आपने लिया है तो एसिड क्या कर लेगा, इसके साथ एनिलीनियम आयन फॉर्म कर लेगा, ये अपना पेयर इसको डोनेट करेगा। तो जो एनिलीन है, कुछ एनिलीन ऐसे भी तो होंगे जो एनिलीनियम आयन बन जाएंगे। अब ये हो गया है डेफिशिएंट, क्योंकि पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव आ गया है तो ये ग्रुप कैसा हो गया है? विदड्रॉइंग। और विदड्रॉइंग ग्रुप हमेशा कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। हमेशा उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा पे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या ऑर्थो पे जाएगा? नो। क्या पैरा पे जाएगा? नो, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में ये कहाँ पे? मेटा पे आएगा। दैट्स वाई नाइट्रेशन के केस में आपका क्या बनता है? मेटा भी बनता है।
अब आप चाहते हैं कि मेटा ना बने तो आपको फिर से असाइलेशन करवाना पड़ेगा, फिर से उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तब आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। चलिए बता देता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं, सुनिए। इसके लिए आपने क्या करवाया, इसको असाइलेट कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। असाइलेशन होने के बाद आपकी जो एक्टिविटी है इस ग्रुप की वो कम हो जाती है, क्यों, रेजोनेंस इधर भी होने लगती है। अब अगर आप नाइट्रेशन करवाएंगे तो आपको यहां पे सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्यों भाई, क्योंकि अब वो एक्टिव नहीं रहा, उसके पास लोन पेयर नहीं बचे, बेंजीन ने भी ले लिए, उसने भी ले लिए, अब वो एच नहीं ले पाएगा, एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा, एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा तो फिर मेटा पे भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर आपको मेटा पे प्रोडक्ट नहीं बनाना है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। बाद में क्या कर देंगे, H2O डाल देंगे, इस पे H आ जाएगा, उसके साथ OH चला जाएगा और आपका ये जो प्रोडक्ट है वो इजीली फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलिए, आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। तो नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे आपने जो नाइट्रेशन करवाया है एक डिफरेंट केस आ गया था, वो क्या आ गया था कि मेटा पे भी NO2 आ रहा था और मेटा पे NO2 नहीं आना चाहिए था। अब इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा नाइट्रेशन, किसका नाइट्रेशन हुआ है, एनिलीन का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सल्फोनेशन, क्या सल्फोनेशन भी हो सकता है। हाँ जी, सल्फोनेशन भी हम इसका कर सकते हैं। देखिए सल्फोनेशन में क्या होगा, आपने करवाया सल्फोनेशन, अब हमें पता है ये तो एसिड लिया है आपने, तो यहां पे सॉल्ट बनेगा ही बनेगा, NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, क्योंकि H2SO4 डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। H पॉजिटिव इसने लिया, NH3 पॉजिटिव बना, HSO4 माइनस को इसने अट्रैक्ट कर लिया। हमने इसको हीट किया, अब इसको हीट किया तो यहां से वाटर रिलीज हो गया और क्या बचा, इधर बचा NH2 और इसमें से एक ऑक्सीजन चला गया, एक हाइड्रोजन चली गई है, एक हाइड्रोजन यहां से चली गई है, तो इधर SO3 बचा। अब यहां पे हाइड्रोजन भी तो होती है तो उसको हटा के ये लग गया, यहां पे SO3H बना। अब इस कंपाउंड के अंदर दो चीजें हैं, वो क्या है, ये है आपका बेस और ये है आपका एसिड, बेस भी है और एसिड भी है, तो इसके अंदर आपका बनता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन आप बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, देखिए ये H इसको दे सकता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, तो इधर क्या आ गया NH3 पॉजिटिव और ये SO3 नेगेटिव। सेम मॉलिक्यूल के अंदर अगर दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, तो यहाँ पे आप ज्विटर आयन इजीली फॉर्म कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने की है। तो ये हो गया है हमारा सल्फोनेशन। अब लास्ट बचता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम चार तरह की रिएक्शन देखते हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट। तो अब हमारी जो रिएक्शन बचती है वो बचती है फ्रिडल क्राफ्ट। क्या ये फ्रिडल क्राफ्ट शो करता है, अब हमें इस पॉइंट पे बात करनी है। चलिए
यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट क्या होती है, पहले हम ये बात करेंगे। फ्रिडल क्राफ्ट के अंदर अगर देखा जाए तो एल्काइलेशन हो सकता है और असाइलेशन हो सकता है। जैसा कि आपने बेंजीन का देखा होगा, बेंजीन ले लो या हेलो एल्कीन ले लो, ठीक है, ये सभी फ्रिडल क्राफ्ट शो करते थे। तो यहाँ पे CH3Cl होता था और इसके लिए हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते थे AlCl3। ये कैटलिस्ट Cl को ले लेता था और यहाँ से AlCl4- माइनस बन जाता था, इसको डिसोसिएट करवाने का काम करता था। और यहाँ पे क्या बनता था, CH3+। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता था। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजीशन पे जाके अटैक कर सकता है, क्यों, सभी पोजीशन अभी इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसने H को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ से, H कैसा है, पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ से Cl को ले लेगा और क्या बनेगा, HCl एंड AlCl3 फिर से रीजनरेट हो गया। तो बेंजीन दिखा रहा है एल्काइलेशन और एक फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है। क्या असाइलेशन भी दिखाता है बेंजीन? यस, दिखाता है। असाइलेशन में आपने लिया CH3C(OCl) और इसका करवाया आपने असाइलेशन, हो गया, ये बना AlCl4-। इधर क्या आया, पॉजिटिव, और ये किसी भी एक पोजीशन पे जाके लग गया क्योंकि तब तक कोई ग्रुप ही नहीं है तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे लगेगा या फिर पैरा पे लगेगा, आप किसी भी पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो बेंजीन दिखा रहा है, अब प्रॉब्लम ये है क्या एनिलीन भी दिखाता है या नहीं दिखाता है? तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं शो करता है। अब क्या वजह है कि ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन शो नहीं करता है? देखिए, आपने लिया यहाँ पे एनिलीन या बेंजीनामाइन, अब आपने यहाँ पे इसका एल्काइलेशन करवाने की कोशिश की, तो यहाँ पे आपने ये ले रखा है ल्यूस एसिड और ये है ल्यूस बेस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, रिच है, ये रिच नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा और आपका यहाँ पे NH2+ AlCl3-। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म हो जाएगा, ये पेयर इसने इसको दे दिया है, AlCl3 ने पेयर ले लिया है, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई है, अब इसको डिसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हुआ। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हुआ है तो हमारी रिएक्शन नहीं होगी, ओके? अब इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट नहीं हुआ है तो आप रिएक्शन कैसे कर देंगे, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ता है और वो कौन करता था, AlCl3। अब AlCl3 ही नहीं बचा तो क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? हमारा आंसर आएगा नो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्यों, जिसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना था वो तो जाके वहाँ पे क्या अटैच हो गया है, कैटलिस्ट ही ख़त्म हो गया है, जिसको रिएक्शन करवानी थी वो ही नहीं बचा है। अब क्या फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा, ये भी नहीं होगा, सेम रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं, CH3C(OCl) यहाँ पे भी हमें ये बॉन्ड ब्रेक करवाना था और AlCl3 हमारी हेल्प करता था, अब AlCl3 फिर से क्या करता है, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन हुई नहीं, क्योंकि जो कैटलिस्ट था, जो रिएक्शन को करवाने वाला था, तब वही कंबाइन हो गया है तो डिसोसिएशन होगा नहीं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा नहीं, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो रिएक्शन कभी भी नहीं होने वाली।
आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. बाकी जो चैप्टर थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनसे डिफरेंट रिएक्शन है यहाँ पे. बाकी चैप्टर में हमने ऐसा नहीं देखा था, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, इसीलिए यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है. केयरफुली कवर करें इन चीज़ों को, प्रॉब्लम मे बी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है. ओके, थैंक यू.